आधे अक्षर वाले शब्द पाठ नाइनटीन पाठ उन्नीस देखिए यहाँ पे भुट्टे का चिन्ह बना हुआ है तो अब हमें भुट्टे के उच्चारण के लिए क्या बोलना है था भुट्टा तो ट को हमें बहुत जल्दी से बहुत शॉर्ट टाइम पे बोलना है भुट्टा तो देखिए ट के नीचे हमने क्या लगाया है हलंत इसे कहते हैं हलंत तो देखिए यहाँ पे एक हलंत है और इसके पहले मैंने एक आपको चैप्टर बताया था इसे कहते हैं पदेन तो जो पदेन है वो इस साइड जाता है और या फिर इस तरह से होता है लेकिन जो हलंत होता है वो इस साइड जाता है ओके तब में इस साइड जाएगा जा और पदेन होगा अगर तो यहाँ से ऐसे आएगा ओके okay, जैसे मैं अगर यहाँ पे मुझे पदेन लगाना होगा देन मैं इस तरह से लिखूँगी और अगर जैसे ट में मुझे पदेन पदेन लगाना होगा देन मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब ट्र और इसका इसका मतलब होता है ये मान लीजिए एक जैसे कि ये जो ट है इसे हमें जल्दी बोलना है तो जल्दी बोलने के लिए हमारे पास कोई भी ये नहीं है कि मैं क्या साइन लगाऊँ तो ए इससे हम जल्दी बोलेंगे भुट्टा तो एक तरह से मैं बच्चों को बताती हूँ कि ये एक चाकू है अगर आपके पास आप इसे छोटा नहीं कर पा रहे हो तो साथ में चाकू रखे हुए ओके त है त में हलंत है तो देखिए यहाँ पे अब ये जो है भुट्टा त को अगर मैंने इसे छोटा किया तो ये त की तरह दिखेगा ओके तो लगेगा ये आधा त है या त है पूरा त है तो इसलिए इसे हम आधा नहीं कर पाते तो इसे हलंत को ऐसे ही लिखते साथ में हलंत को लगा देते लेकिन त में अगर हलंत है तो हमें हलंत लगाने की जरूरत नहीं हम आधे त को ही लिखते हैं और जल्दी से बोलते त, त। क में अगर हलंत है देन क में हम हलंत लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आधा इस तरह से लिखा जाता है उसके पूँछ जो टेल है उसे छोटा सा कर दिया है देन च में हलंत है तो हमें आधा च इस तरह से लिखते हैं ड में हलंत है तो नीचे से देखिए सर्कल है अगर पे ड हलंत है अगर मैं उससे कुछ और वर्ड आधा लिखना चाहूँ तो भी ट लगेगा वो या फिर थोड़ा सा फोल्ड हो गया तो भी कुछ और वर्ड लगेगा तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए ड में हलंत ही लगा कर लिख देते हैं यानी ये आधा होगा ग में हलंत है तो इस टिक को हटा देते हैं और ग लिख देते हैं केवल तो ये हो गया आधा ग अब यहाँ पे देखिए प है थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में आगे तो ये प है प में आधा प हलंत अगर लगाते हैं हम आधा प इस तरह से लिखते हैं फ में अगर लिखना हो देन हम लोग फ किस तरह से लिखते हैं देन वी हैव टू राइट फ ऐसा ओके आधा फ में हलंत है तो उसे इस तरह से लिखा जाता है ओके तो ये अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ भू आधा ट ट में आ की मात्रा ट भुट्टा क क में ऊ की मात्रा कु आधा त त में हलंत है देखिए त को तोड़ के लिखा जा सकता है काट कर कुत्ता में आ की मात्रा ता कुत्ता त को मैंने जल्दी बोला नेक्स्ट आधा प या में आ की मात्रा या ली प्याली म आधा क ख में बड़ी की मात्रा खी मक्खी मा आप लोग लेट करते हो आप लोग जिस दिन मैं वीडियो भेजूँ उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और इसका ऑडियो बना के भेजिए ब आधा ग घी बग्घी बच्चा ब अध च मात्रा चा बच्चा यहाँ पे आधा ड ड्यू की मात्रा डू लड्डू च में बड़ी की मात्रा की चक्की